मैं आशीष थांदराडे मुंबई से हूं और मैंने अभी अभी पंचगव्य विद्यापीठम से पहले हमने एडीपीटी कोर्स किया था, उसके बाद फिर हम एक स्पेशल कोर्स जो गुरुजी ने निकाला था कि मैटरनिटी के ऊपर, पंचकर्म के ऊपर निकाला था। तो हमने मैटरनिटी जो गर्भ संस्कार के बारे में अद्भुत जानकारी दी गई है, पहले हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था। आज का जो समय है मतलब उसमें ऐसा है कि हमको हर चीज की जांच प्रक्रिया यूं होती है, ये सब करवाना पड़ता है जिसमें हम फंसे रहते हैं। और हम बाद में जो है ना, जो माता जी हैं जो डिलीवरी के समय उनको बहुत दिक्कत होती है, हर माँ को ये दिक्कत होती है, और उसी परेशानी की वजह से वो बाद में जो दूसरा बच्चा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। तो ये एक बहुत ही सरल और अद्भुत ज्ञान है जो गुरु जी ने हमको दिया मैटरनिटी के बारे में। गर्भ शुद्धि 3 महीने का करके फिर उसमें हमने अपना जो है अच्छी संतान दिव्य, जैसे महाराणा प्रताप हुए हमारे भारत में, शिवाजी हुए महाराष्ट्र के, जो ये जो ऐसी दिव्य संतान भी आज के समय में भी ये कल्पना कर सकती हैं वो ऐसी संतान उत्पन्न करने के लिए, और ये बहुत सरलता से हो जाता है, इसमें कोई परेशानी नहीं। हम लोग यही सोचते रहते हैं डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कई तरह के चेकअप करवाने की, इसमें ये ऐसी पद्धति है कि इसमें कोई भी ऐसा चेकअप की कोई जरूरत नहीं। बस गाय के थोड़े बहुत जो उत्पाद हैं उनको लेकर ही, घी है ये है जो हमारा पारंपरिक है, उसी औषधि से ही सब कुछ ठीक हो जाता है। ये इसमें एक बहुत बड़ी अद्भुत चीज है जो हम भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को, अपने पारंपरिक जो इलाज है उनको ही भूलते जा रहे हैं, और हम विदेशी दवाइयों में हम फंसे हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज का जो युवा वर्ग है वो आए जरूर यहां पे पता करें और उसके बारे में अपनी अच्छी दिव्य संतानों को उत्पन्न करें, जो कि बहुत हमारे आज जो भविष्य है जो बनेगा भारत का, पहले जैसा, जैसा कि पहले बोलते आए हैं कि पहले हमारा जो जो भारत देश है एक सोने की चिड़िया था, तो उसी प्रकार से हम उसी संदर्भ में आ जाएंगे, क्योंकि इसमें हम जब हम खुद मतलब ऐसी संतानों का हम उत्पन्न करेंगे तो आगे बढ़ के क्या होगा, उनको भी एक जो वो परंपरा जैसी बन जाएगी और बहुत मतलब विशाल और सभी ज्ञानी मतलब देश बनेगा, बहुत अद्भुत बनेगा, जो कि ये कोर्स पंचगव्य विद्यापीठम से जरूर करना चाहिए। बहुत आवश्यक।